अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया और आयुष एवं जल संसाधन मंत्री राम किशोर नानो कानवरी रीवा पहुंचे। दोनों मंत्री कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री जल सेवा अभियान की समीक्षा बैठक की। वहीं आयुष एवं जल संसाधन मंत्री अपने विभाग की समीक्षा की। कार्यक्रमों के बाद राजनिवास में दोनों मंत्री पत्रकारों से रूबरू हुए। आइए आपको सुनाते हैं दोनों मंत्रियों ने क्या कहा है। तलवाजे व्यक्ति व्यक्ति और दिल दिल से संवाद करने के लिए इसकी एक ग्राम पंचायत में टोटल मिला के 8 से 10 कर्मचारी काम करते हैं। चाहे पंचायत का सचिव हो, चाहे पंचायत का सहायक सचिव हो, या हमारा पटवारी से लेके महिला बाल विकास के अधिकारी से लेके कॉपरेटिव सोसाइटी से लेकर कई प्रकार के कर्मचारी, उनकी एक टोली बना के हर घर में जाके जो पात्र हैं उनको 100% लाभ मिले, जो पात्र नहीं है उनको कन्वेंस करें इसके कारण आपको ये सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे सब विषयों पर रीवा जिले के सभी ग्राम पंचायतों में पूरा अभियान चला के और सरकार और संगठन के या अन्य प्रकार के लोगों को भी जोड़ के इस अभियान को सफलतापूर्वक पूर्ण हो। तो ऐसे 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म दिवस से शुरुआत करके और 31 अक्टूबर तक ये पूरा अभियान चलेगा। तो फर्स्ट फेज में समस्याओं का जो हितग्राही है उनका चयन करना, जो विधि सम्मत है उनको क्यों उनके सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिले, उनको क्यों लाभ नहीं मिल रहा, योजनाओं का नहीं मिल रहा तो क्या समाधान हो सकता, तो आइडेंटिफिकेशन करना। सेकंड चरण में कैंप लगा के, पहले फर्स्ट चरण में भी कैंप लगाएंगे डोर टू डोर के साथ साथ, सेकंड चरण में कैंप लगा के सभी को उसका लाभ मिल जाए इसके लिए हमारे सब जनप्रतिनिधि उस कैंपों में रहेंगे। जनप्रतिनिधि का मतलब हमारे विधायकगण अकेले नहीं, जिला पंचायत के अध्यक्ष है, जिला पंचायत के सदस्य है, जनपद अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष। तो नगरों में नगर पालिका इस तरह से विचार किया और गाँव में ग्राम पंचायत इस तरह से विचार किया। तो ऐसे करके ये पूरा एक प्लान किया गया। तो अकेला इस प्रकार से नहीं है, मेरे पास एक लोक सेवा प्रबंधन विभाग भी है। सहकारिता का भी लंबे समय से चुनाव का कोरोना काल चलता रहा तो रुके रहे, उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही तो वो कराए नहीं। तो सहकारिता के लिए भी हम लोग संवाद हो गया, सबसे बातचीत हो गई है। इसका एक इंडिपेंडेंट हमारा इलेक्शन कमीशन होता है, उसमें लंबे समय से नियुक्ति नहीं थी, उनके साथ साथ हमने नियुक्ति की है। मिस्टर BM ओझा साहब हैं, उसके अध्यक्ष है राकेश पांडे जी, जनरल सेक्रेटरी हैं। तो जल्दी ही हम सहकारिता का पूरा सेटअप को इलेक्शन पद्धति में या अन्य प्रकार से क्या हो सकता है, मुझे लगता है 1-8 महीने में हम लोग करें, क्योंकि इसकी पद्धति लंबी चलती है। 100% ऑल इलेक्शन, मत संघ, बनोपज संघ, ये अपना जिसका डेयरी वाले, दुग्ध संघ, इन सब के इलेक्शन हम करा देंगे। स्थानीय समस्या है सहकारिता लोन नहीं मिलता है, जब खाद की समस्या समय आती है तो किसी लंबी जमीन किसी दूसरे बैंक में बंधक बना देते हैं तो उसमें खाद नहीं मिलता है। भले ये समिति का सदस्य और ये ओरल आदेश जारी हुआ 2 साल से अधिकारी बता पाएंगे। एक बार हम दिखवा लेंगे, हमारे यहाँ पे एक कॉपरेटिव के अधिकारी बैठे होंगे, एक बार विधि सम्मत होगा तो 100% कर देंगे। एक्चुअली क्या हुआ प्रॉब्लम आप समझो, आपने जो प्रश्न किया, एक्चुअली समस्या क्या है, कर्जा माफी का जो विषय आया, कांग्रेस सरकार ने कर्जा माफी की घोषणा कर दी कि 2 लाख रुपए तक के कर्जे माफ कर देंगे। राहुल गांधी जी कर गए आके 10 दिन में कर देंगे, वो विषय पर नहीं जाना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या किया कमलनाथ जी ने, जो सरकार थी मुख्यमंत्री जी की, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है कर्जा माफी हम कर रहे हैं। अब बाकी बैंकों ने कोई कर्जा माफी नहीं की। जो कॉपरेटिव सोसाइटी के लोग थे, जो कॉपैक्स सोसाइटी हमारी थी, तो पैक्स सोसाइटियों को क्या कहा कि आप जो है ना सबके कर्जे माफ कर दो, हम पैसा आपको दे देंगे। कौन, ये तो बैंकिंग व्यवस्था है। तो शासन जो है ना बैंक को पैसे देती सोसाइटीज को, तो किसानों को क्या भ्रमित हो गया है कि किसान ने जमा नहीं किया उनका कर्जा माफी का भाषण हो गया, और बैंक में जो पैसा आना चाहिए तो किसानों ने जमा नहीं किया, और सरकार ने जो कमलनाथ जी की सरकार थी उनने पैसा बैंक को दिया नहीं, किसानों ने जमा नहीं किया। इसलिए 90% पैक्स सोसाइटियां हमारी जो है ना बर्बाद हो गई। राहुल गांधी जी की आ रही है तो भारत जोड़ने की जो बात कर रहे हैं, जैसे शुरुआत किया तो गोवा में भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस तोड़ो यात्रा हो गई। अभी राजस्थान में संकट मचा हुआ है। ऐसे नौटंकियां हैं। देश बेसिक जो है ना, आप भारत जोड़ो की बात करें, भारत तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, आपने ही तो तोड़ा है। आपने कब तोड़ा है? तो 14 अगस्त 1947 को आपने आप इंडिकेशन दे रहे हैं मध्य प्रदेश में फिर टूट हो सकती है क्या कांग्रेस में? आपने बोला कि ऑलरेडी मध्य प्रदेश में कई हमारे कांग्रेस के मित्र, मैं तो बैंगलोर था, हमारे साथ तो 22 विधायक 22 दिन हम लोग को साथ में थे। इसलिए आज के इस अभियान में जो हम आए हैं माननीय मंत्री जी, में माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हमारे मंत्री जी वहाँ भोपाल में बैठ के प्रेजेंटेशन न देखें, आप धरातल पर जाकर देखिए कि सही में जो प्रेजेंटेशन है वो है कि नहीं धरातल पे। तो आज हम धरातल पे भी आए हैं, देख भी रहे हैं, लोगों से चर्चा भी कर रहे हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप हैं, आप जो बताते हैं उससे भी, और हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा करके, हमारे अधिकारियों के साथ चर्चा करके उन सब समस्या का समाधान करेंगे। ये पहले चरण में हम आए, इसके बाद और दूसरे चरण में हम आएंगे और जो चीज़ें हमने बताया आपको उसका निराकरण, जो सेकेंड फेज हमारा होगा स्वीकृति पत्र का निराकरण का, वो भी करके हम 31 अक्टूबर तक इस अभियान को समापन तो नहीं करेंगे, लेकिन इस अभियान का हमारा जो टारगेट है वो 31 अक्टूबर तक के। लेकिन बहुत सारे और भी, ये भाई साहब ने कहा कि 33 हमारे जो योजना है, 33 योजना के अलावा भी कोई विषय आएगा उस विषय को भी सुनेंगे। ऐसा नहीं कि 33 योजना के बाद में हम नहीं सुनेंगे, चाहे वो PHE का मामला हो, चाहे कोई भी विषय हो, हम सब विषय को सुनने के लिए और उसका समाधान करने के लिए यह अभियान हम चला रहे हैं। और इस अभियान के निमित्त आपसे आदरणीय मंत्री जी, मैं आपके बीच में चर्चा करने आए थे, आपसे हमने संवाद किया।